के साथ हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में स्टूडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं आरपीएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, 10/2022 का ये नोटिफिकेशन है, अक्टूबर 2022 की जो है इसमें डेट दी गई है। एंड इसी के साथ में आप यहां से चेक कर सकते हैं जो रिक्रूटमेंट यहां पर रखी गई है वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। यहां पर अगर दोस्तों मैं बात करूं तो मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों पे स्केल जो आपको यहां पर दिया जाएगा वो 9,300 रुपए से 34,800 रुपए तक दिया जाएगा, 4,600 रुपए आपकी ग्रेड पे बनेगी। इसी के साथ में दोस्तों सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 9,300 से 34,800 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी और 4,200 रुपए आपका ग्रेड पे मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों ऑल अलाउंस जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहां पर अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे अलाउंस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। वैकेंसीज के बारे में बात कर लें तो कांस्टेबल पद के लिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी से 3,748 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी से 2,867 पोस्ट देखने को मिल जाएगी, एससी कैटेगरी से 1,604 एंड एसटी कैटेगरी से 1,278 पद है, ईडब्ल्यूएस से 1,006 वैकेंसीज रखी गई है, टोटल 10,503 पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी से 1,437 वैकेंसीज है, ओबीसी से 1,074 पद है, एससी कैटेगरी से 846, एसटी से 649 और ईडब्ल्यूएस से 572 पद रखे गए, टोटल 4,578 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सेल्समैन कैंडिडेट के लिए 208 पद रखे गए, टोटल 15,289 वैकेंसीज हैं। इसी के साथ में इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट से जनरल कैटेगरी से 200, ओबीसी से 140, एससी से 50, एसटी से 70 और ईडब्ल्यूएस से 40 वैकेंसीज हैं, टोटल 500 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी से 20 वैकेंसीज है, ओबीसी से 16, एससी से 8 एंड एसटी से 10 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस